नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। वक्त साथ की बात का, और साथ की बात में आज उन मुद्दों पर हम जिक्र करेंगे जिन मुद्दों का आज लगातार चर्चा होती रही है और जिन मुद्दों पर लगातार नजर बनी हुई है। तो सबसे पहले आज के सबसे बड़े मुद्दे का हम जिक्र करेंगे, जो है पंजशीर का किला क्या तालिबान ने ढहा दिया है। आखिरकार पंजशीर भी तालिबान के सामने हार गया है। रेजिडेंस फोर्स के लड़ाकों ने तालिबान को कड़ी टक्कर दी, लेकिन रविवार की लड़ाई के बाद तालिबान की जीत हो गई। तालिबान ने पंजशीर के गवर्नर हाउस में अपना झंडा भी लहरा दिया। अब पूरे अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा हो गया है। तालिबान ने झंडा फहराते हुए वीडियो भी जारी किया। तालिबान के इस दावे को रेजिडेंस फोर्स ने गलत बताया और कहा कि पंजशीर घाटी में जंग जारी रहेगी। रिपोर्ट देखिए। तालिबानी प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद ने कहा है कि अफगानिस्तान में तालिबान के विरोध का आखिरी किला भी फतह कर लिया गया है। आखिरकार देश जंग के भंवर से बाहर आ गया है। अल्लाह की अता से और देश के लोगों के समर्थन से देश को सुरक्षित करने की हमारी कोशिशें रंग लाई है। पाकिस्तानी पायलट्स के हवाई हमले के बाद फरार हुए साले। पंजशीर में रेजिडेंस फोर्सेस के ठिकानों पर रविवार को हवाई हमले किए गए थे। अफगानी मीडिया की खबरों के मुताबिक ये हमले पाकिस्तानी पायलट्स ने किए थे। पंजशीर में रेजिस्टेंस के प्रमुख नेता और देश के पूर्व उपराष्ट्रपति अमरुल्ला साहले जिस घर में ठहरे थे, रविवार को उस पर हेलीकॉप्टर से हमला हुआ। इसके बाद साहले तजाकिस्तान चले गए। अहमद मसूद के पंजशीर में ही सुरक्षित ठिकानों पर होने की खबर थी। तालिबान ने रविवार को दावा किया था कि पंजशीर को जल्द ही मसूद परिवार से आजाद घोषित कर दिया जाएगा और घाटी में भी तालिबानी प्रशासक होगा, और ऐसा ही हुआ। पंजशीर रेजिस्टेंस ने तालिबान के सामने रखा था शांति वार्ता का प्रस्ताव। पंजशीर में रविवार को रेजिस्टेंस फोर्स के कमजोर पड़ने की खबर सामने आने लगी थी। अहमद मसूद ने तालिबान के सामने जंग खत्म करने का प्रस्ताव रखा था। इससे पहले उन्होंने पंजशीर और अंद्राब में तालिबानी हमले रोकने की शर्त भी रखी थी। तालिबान यहां काफी मजबूत स्थिति में था। तालिबानी लड़ाके किसी भी तरह पंजशीर पर कब्जा करना चाहते थे। लड़ाई मसूद ने शुरू की थी, इसलिए तालिबानी लड़ाकों में गुस्सा था। इस गुस्से और ताकत के दम पर तालिबानी लड़ाकों ने पंजशीर पर कब्जा कर लिया। सीनेटर ने कहा, अमेरिकी सेना को दोबारा अफगानिस्तान जाना होगा। अमेरिकी सेना अफगानिस्तान से लौट आई है। 31 अगस्त के डेडलाइन खत्म होने से एक दिन पहले ही सेना ने अफगानिस्तान छोड़ दिया।
लेकिन अब अमेरिकी सीनेटर लिन से ग्राहम ने कहा है कि अमेरिकी सेना को दोबारा अफगानिस्तान जाना ही होगा, ये निकट भविष्य में होना तय है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी रिपब्लिकन के सीनेटर ग्राहम ने कहा है कि भले ही आपको ट्रंप पसंद हो या नहीं, लेकिन ये आपको मानना ही होगा कि तालिबान सुधरा नहीं है, उसकी सोच दुनिया की आधुनिकता से मेल नहीं खाती। वे अपनी पुरानी सोच को अफगानिस्तान के लोगों पर थोपेंगे और जो सबसे अहम बात है वो ये कि तालिबान अलकायदा को पनपने के लिए सुरक्षित जगह देगा। आप एक देश तालिबान के भरोसे नहीं छोड़ सकते। अमेरिकी सेना को पंजशीर रेजिस्टेंस की मदद करनी चाहिए। वहीं खबरों की माने तो ड्रामा ने कहा है कि अमेरिकी सेना को अफगानिस्तान से बुलाना गलती थी, लेकिन ये भी सच है कि निकट भविष्य में अमेरिकी सेना को अफगानिस्तान भेजा जाएगा। अमेरिका ने इराक और सीरिया से फौज हटाने के बाद वहां दोबारा फौजें भेजी थी। आज भी इराक में 5,000 अमेरिकी सैनिक क्यों है? उन्होंने कहा कि मेरा सुझाव है कि अफगानिस्तान में पंजशीर रेजिडेंस की मदद की जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़वर्ल्ड इंडिया। वहीं अब आगे बढ़ते हुए आज की दूसरी बड़ी खबर का रुख करेंगे, क्योंकि ये जो मामला है वो सीधा देश के अन्नदाता से जुड़ा हुआ है, जिसमें राजनीति भरपूर हो रही है। दरअसल राहुल गांधी एक बार फिर से गलती कर बैठे हैं। कांग्रेस नेता राहुल ने किसी आंदोलन को लेकर एक बार फिर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। वो आंदोलन कोई आम आंदोलन नहीं है, वो आंदोलन है किसान आंदोलन। उन्होंने ट्वीट करके कहा है कि डटा है, निडर है, अधर है, भारत भाग्य विधाता। इस ट्वीट में राहुल एक गलती कर बैठे। दरअसल उन्होंने प्रदर्शनकारी किसानों की जो तस्वीर लगाई वो फरवरी महीने की है, जबकि उनके ट्वीट से लग रहा है कि वो मुजफ्फरनगर में रविवार को हुई महापंचायत का जिक्र कर रहे हैं। हालांकि राहुल गांधी ने इस ट्वीट को लेकर ऐसा कुछ भी नहीं लिखा था, लेकिन इसे उससे जोड़ा जा रहा है जो कि फरवरी में उन्होंने तस्वीर ट्वीट की थी। दरअसल बीजेपी की आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने उन पर पलटवार कर दिया। मालवीय ने दावा किया है कि जो तस्वीर राहुल ने शेयर की है वो काफी पुरानी है। बस फिर क्या था, बवाल होना तो लाजमी था। उन्होंने लिखा कि राहुल को किसान महापंचायत के लिए पुरानी तस्वीर का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। ये बताता है कि किसान आंदोलन के नाम पर फैलाया गया प्रोपेगेंडा काम नहीं कर रहा। वहीं बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने तो इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राहुल गांधी पर जोरदार हमला बोला। संबित पात्रा ने कहा कि अपने संगठन को आगे नहीं बढ़ाना, अपने संगठन को अध्यक्ष विहीन रखना, परिश्रम नहीं करना और दूसरे के कंधों पर बंदूक रखकर चलाने का प्रयास करना राहुल गांधी जी की आदत बन चुकी है। उन्होंने कहा कि देश में जब भी भ्रम की, झूठ की राजनीति होती है तो राहुल गांधी जी का हाथ होता ही है। आज राहुल गांधी जी ने किसान आंदोलन की पुरानी तस्वीर को ट्वीट करके उसे वर्तमान का फोटो बताया है। संबित पात्रा आगे कहते हैं कि राहुल गांधी भली भांति जानते हैं कि कांग्रेस अध्यक्ष विहीन है, इसलिए कांग्रेस जमीन पर किसी भी विषय को उठाने के लिए असमर्थ है, इसलिए झूठे फोटो के माध्यम से राजनीति करने की लगातार कोशिश करते हैं। बीजेपी प्रवक्ता अमित मालवीय ने भी राहुल गांधी के ट्वीट के लिए उनको निशाने पर लिया। मालवीय ने लिखा कि महापंचायत की सफलता देखने के लिए राहुल गांधी को पुरानी तस्वीरों का सहारा लेना पड़ रहा है, और यहां तक कि तमाम जो बीजेपी कार्यकर्ता हैं, तमाम जो बीजेपी नेता है इस ट्वीट को लेकर लगातार बयानबाजी कर रहे हैं। आपको बता दें कि रविवार को मुजफ्फरनगर में किसान महापंचायत के दौरान राकेश टिकैत ने भारत सरकार की तुलना तालिबान से कर दी थी। टिकैत ने कहा था कि अफगानिस्तान में खुलेआम तालिबान है, जबकि देश में पर्दे के पीछे तालिबान है। बीजेपी ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया दी थी और इसे मानसिक दिवालियापन बताया था। उनके खिलाफ अब FIR तक नौबत जा रही है। ये सब राहुल गांधी देखते नहीं, इन सब से राहुल गांधी अनभिज्ञ हैं। राहुल गांधी जी, आप तो खुद बोलते थे मैं जनेऊ धारी बहुत विराट हिंदू हूं। आपने फोन किया एक बार बघेल जी को? बघेल जी के पिताजी जिस प्रकार से एक समाज विशेष को लेकर वहां आग उगल रहे हैं, जिस प्रकार से वहां वैमनस्य की राजनीति हो रही है, इस विषय पर राहुल गांधी जी आपने ध्यान दिया? कहां से ध्यान देंगे? आप तो झूठे तस्वीर के माध्यम से
अपनी राजनीति चमकाने में व्यस्त है। तो यहां पर राहुल गांधी के ट्वीट को लेकर बवाल मचता हुआ नजर आ रहा है। बीजेपी लगातार राहुल गांधी पर हमलावर होती हुई नजर आ रही है। दरअसल होता यूं है कि राहुल करने तो अच्छा चलते हैं, लेकिन अचानक होता है कि कुछ ना कुछ बिगड़ जाता है। तो किसानों को लेकर ये ट्वीट उन्होंने किया था। दरअसल कल मुजफ्फरनगर में एक महापंचायत का आयोजन किया गया था। इस महापंचायत में तमाम किसान जो हैं अलग अलग राज्यों से पहुंचे थे। विपक्ष लगातार किसानों के समर्थन में आवाज उठा रहा है और यहां बीजेपी ये कहती है कि किसानों के आंदोलन को का सहारा लेकर जो विपक्ष है वो लगातार राजनीति करने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में राहुल गांधी अब घिरते हुए नजर आ रहे हैं। अब बात आज की तीसरी बड़ी खबर की कर लेते हैं। दरअसल आस्था के नाम पर बवाल हो रहा है। हुआ कुछ ये था कि मजहब आपस में बैर करना नहीं सिखाता है, लेकिन आज के दौर में मजहब के नाम पर भी बैर बांधे जा रहे हैं। इस रिपोर्ट के द्वारा आपको समझाने की कोशिश करेंगे। दरअसल झारखंड विधानसभा में नमाज के लिए अलग कमरा अलॉट करने पर सियासत गर्मा गई है। मॉनसून सत्र के दूसरे दिन की कार्रवाई शुरू होने से पहले विधानसभा के बाहर बीजेपी विधायकों ने झाल मंजीरे बजाकर भजन गाया तो मंदिर बनाने की मांग शुरू हो गई। देखिए झारखंड विधानसभा में नमाज के लिए अलग कमरा अलॉट करने पर सियासत तेज हो गई। मॉनसून सत्र के दूसरे दिन की कार्रवाई शुरू होने से पहले विधानसभा के बाहर बीजेपी विधायकों ने झाल मंजीरे बजाकर भजन गाया। उधर कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने हनुमान चालीसा का पाठ किया। वहीं सदन की कार्रवाई शुरू होते ही बीजेपी विधायकों ने जय श्री राम हर हर महादेव के नारे लगाए। बीजेपी विधायकों ने कहा कि नमाज के लिए अलग कमरा अलॉट करने का आदेश विधानसभा अध्यक्ष को वापस लेना ही होगा, तभी विधानसभा चल सकेगी। वहीं कांग्रेस का कहना है कि आस्था पर सियासत नहीं करनी चाहिए, समय से नमाज अता करने के लिए कमरा अलॉट किया गया है। इस मुद्दे को बीजेपी बेवजह तूल दे रही है। 2 सितंबर को विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने आदेश पर नमाज के लिए कमरा नंबर TW348 अलॉट किया गया था। मन में आस्था हो तो सब जगह भगवान है, सीएम हेमंत सोरेन। सदन के बाहर बीजेपी विधायकों के प्रदर्शन को सीएम हेमंत सोरेन ने दुर्भाग्यपूर्ण बताया। उन्होंने कहा, जब दल के पास कोई मुद्दे नहीं रह जाते, कोई टॉपिक नहीं रहता, तो इसी तरीके का आचरण अपनाकर सदन को बाधित करते हैं। मन में अगर आस्था हो तो भगवान सब जगह है, मन में अगर राक्षस हो तो सब जगह दुश्मन ही दुश्मन है। ये पहले से ही उनका प्लान है। आज प्रश्नकाल था, सरकार सारे सवालों का जवाब देने के लिए तैयार थी। बीजेपी ने विरोध का साप्ताहिक कार्यक्रम जारी किया। इस मुद्दे पर बीजेपी ने एक सप्ताह के विरोध का खाका जारी किया है। 6 सितंबर को सभी जिलों में धरना प्रदर्शन हो रहा है। 7 सितंबर को सभी जिला मुख्यालयों पर धरना प्रदर्शन किया जाएगा और राज्यपाल के नाम पर कलेक्ट्रेट को ज्ञापन भी सौंपा जाएगा। 8 सितंबर को रांची में झारखंड विधानसभा के सामने बीजेपी धरना देगी। इसके अलावा 9 सितंबर को पार्टी का प्रतिनिधि मंडल राज्यपाल से मुलाकात करेगा और उन्हें सारे हालात की जानकारी दी जाएगी। विधानसभा अध्यक्ष का पुतला फूका। रविवार को बीजेपी इसके खिलाफ सड़कों पर उतरी। राज्यों के सभी जिलों में पार्टी कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री और विधानसभा अध्यक्ष का पुतला फूका। सोमवार को प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने गोड्डा में और रघुवर दास ने जमशेदपुर में सरकार को घेरा और आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वर्ल्ड इंडिया। वही आखिर में आज की एक और महत्वपूर्ण खबर का रुख करेंगे। दरअसल अपने बयान पर जावेद अख्तर घिरते हुए नजर आ रहे हैं। आरएसएस और तालिबान की तुलना करने को लेकर गीतकार और फिल्म लेखक जावेद अख्तर पर बीजेपी ने हमला बोल दिया है। बीजेपी नेता राम कदम ने बयान के
लिए अख्तर से माफी की मांग की है और कहा है कि जब तक वो माफी नहीं मांगते तब तक देश में उनकी फिल्मों को चलने नहीं दिया जाएगा। दरअसल हाल ही में एक न्यूज पोर्टल को दिए इंटरव्यू में जावेद अख्तर ने कहा था कि तालिबान बरपर है, उसकी हरकतें निंदनीय हैं, लेकिन आरएसएस, विहिप और बजरंग दल का समर्थन करने वाले सभी एक जैसे हैं। और फिर क्या था, बवाल शुरू हो गया। जावेद अख्तर का यह बयान बीजेपी नेता को पसंद नहीं आया, जिस पर उन्होंने कहा कि आरएसएस तालिबान की तरह होता तो जावेद अख्तर को इस तरह के बयान देने की अनुमति नहीं होती। महाराष्ट्र बीजेपी के विधायक और प्रवक्ता राम कदम ने जावेद अख्तर पर निशाना साधते हुए कहा है कि आरएसएस से जुड़े राजनेता सरकार में मामलों के शीर्ष पर हैं। ये नेता राजधर्म का पालन करते हुए देश चला रहे हैं। अगर वे तालिबान की तरह होते तो क्या अख्तर को ऐसा बयान देने की अनुमति दी जाती? ये एक सादृश्य साबित करता है कि उनके बयान गलत है, लेकिन इस तरह की टिप्पणी करके उन्होंने देश में गरीब लोगों के लिए काम करने वाले आरएसएस कार्यकर्ताओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। अगर वो उनसे माफी नहीं मांगते तो हम उनकी फिल्मों को इस देश में नहीं चलने देंगे। दरअसल जावेद अख्तर के बयान के विरोध में बीजेपी एमएलए राम कदम के घर के पास पुतला जलाने की कोशिश को मुंबई पुलिस ने नाकाम कर दिया। बहुत कोशिश की गई पुतला दहन करने की, लेकिन उसे पुलिस ने नाकाम किया। माना जा रहा है कि पुतले पर जावेद अख्तर की तस्वीर लगाकर जलाया जा रहा था, जिसके बाद पुलिस ने पुतला सीज कर लिया। अब बीजेपी घाटकों पर पुलिस स्टेशन में जावेद अख्तर के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने जाएगी। वहीं बीजेपी के यूथ विंग ने शनिवार को जावेद अख्तर के जुहू स्थित आवास तक विरोध मार्च निकाला था और आज भी ऐसी तमाम तस्वीरें सामने आई थी जिसमें उनके बयान के लिए माफी की मांग की गई। यूथ विंग के एक प्रदर्शनकारी ने कहा कि हमें लगता है कि अख्तर मानसिक रूप से स्थिर नहीं है। इस देश ने उन्हें सब कुछ दिया, आरएसएस जमीनी स्तर पर लोगों की मदद करता है और उन्होंने उसकी तुलना तालिबान से कर दी, ये स्वीकार्य है। अगर वो माफी नहीं मांगते तो उनके खिलाफ हमारा आंदोलन और तेज होगा। जावेद अख्तर ने कथित तौर पर यह भी कहा कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, जनसंख्या भी काफी हद तक धर्मनिरपेक्ष है, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो आरएसएस और विहिप जैसे संगठनों का समर्थन करते हैं और नाजियों के समान विचारधारा रखते हैं। तमाम बातें निकलकर सामने आ रही है। जावेद अख्तर के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने की कोशिश लगातार बीजेपी करती हुई नजर आ रही है। देखिए, ऐसा पहला मौका नहीं है जब इस तरह की बातें निकलकर सामने आ रही हो। तालिबान को लेकर तमाम भारत में ऐसे लोग हैं जो कि बयानबाजी कर चुके हैं। इससे पहले भी भारत में जो हिंसाएं हो रही है, भारत में जो ऐसी घटनाएं होती है, उसकी तुलना तालिबान से कर दी जाती है और कहा जाता है कि भारत सरकार को तालिबान की चिंता है, तालिबान में रह रहे लोगों की चिंता है, लेकिन भारत में जो हो रहा है, भारत में जो तालिबानी सजा दी जाती है, उस पर भारत सरकार की नजर नहीं जाती है। ऐसे तमाम बातें हैं जो निकलकर सामने आ रही है। वहीं जब से जावेद अख्तर ने आरएसएस को लेकर ये बातें कही हैं, तब से ही चारों तरफ एक आक्रोश का माहौल देखने के लिए मिल रहा है और महाराष्ट्र में उनके खिलाफ जो प्रदर्शन है वो भी देखने के लिए मिला। पुतला दहन किया गया, महिलाएं भी निकली। इसके अलावा एक और बात निकलकर सामने आई है, वो ये है कि शिवसेना ने ये जो बयान जावेद अख्तर ने दिया है इसको लेकर उन्होंने निंदा जताई है, लेकिन बीजेपी ने शिवसेना पर भी वार कर दिया और वार करते हुए कहा है कि आज जब जावेद अख्तर तालिबान की तुलना आरएसएस से कर रहे हैं तो अब शिवसेना सामने आ रही है। लेकिन इससे पहले भी जावेद अख्तर ऐसे विवादित बयान दे चुके हैं, लेकिन तब कोई एक्शन नहीं लिया जाता। अगर बात की जाए बीजेपी नेता राम कदम की तो लगातार आक्रोशित नजर आ रहे हैं। उनका सीधे तौर पर यह कहना है कि जब तक वो माफी नहीं मांगते तब तक उनके खिलाफ आवाज उठती रहेंगी और उनकी कोई भी फिल्म जो है वो चलने नहीं दी जाएगी। जावेद अख्तर एक गीतकार और फिल्म लेखक हैं और लगातार तमाम मुद्दों को लेकर उनकी एक अलग सोच देखने के लिए मिलती है, चाहे वो सीएनआरसी का मुद्दा हो, चाहे वो अब तालिबान का मुद्दा हो, वो खुले मन से बोलते हुए नजर आते हैं, लेकिन इस बार उनकी जो बातें हैं उन पर काफी भारी पड़ती हुई नजर आ रही है। जगह जगह उनके खिलाफ बीजेपी मोर्चा खोले हुए है और बीजेपी लगातार प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है। आरएसएस के जो कार्यकर्ता हैं वो भी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। बीजेपी का कहना है कि आरएसएस धरातल पर उतर कर तमाम लोगों की यहाँ पर सुविधा देती है, तमाम लोगों को यहाँ पर तमाम ऐसी चीजें देती है जो
आरएसएस लगातार देती आई है पिछले कई सालों से, लोगों को समझाने की और आपसी एकता बढ़ाने की कोशिश करती है। ऐसे एक संगठन को इस तरह से बयान देना और इस तरह से सामने लाना वाकई गलत है। ये तमाम चीजें निकलकर सामने आ रही है। बीजेपी यूथ विंग ने भी विरोध मार्च निकाला है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, एक पुतला बनाया गया था, पुतले के ऊपर जावेद अख्तर की तस्वीर लगाई गई थी, उसे जलाने की कोशिश हो रही थी, लेकिन पुलिस वहां पर मौजूद थी, महिला पुलिसकर्मी भी वहां पर मौजूद थी, ऐसा नहीं करने दिया और उन्हें एक एक करके वहां से खदेड़ने की कोशिश की गई। पुतला पुलिस ने सीज कर लिया। तो आपसी सौहार्द ना बिगड़े, इसको लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट नजर आया है और इस कोरोना काल में ज्यादा भीड़ इकट्ठी ना हो, इसको लेकर भी सरकार पुरजोर कोशिश महाराष्ट्र में करती हुई नजर आई। लेकिन जो आंदोलन है, जो प्रदर्शन है बीजेपी का, वो खत्म होने वाला नहीं है, क्योंकि जावेद अख्तर जो है अपने बयान देकर अब तक उन्होंने माफी नहीं मांगी है और ना ही कोई उनकी इस पर टिप्पणी आई है। They are the same people. Now their names are different, their faces are different, but ultimately if you look at their value system, it is the same. Vis-a-vis gender, vis-a-vis minorities, they have no love lost for minorities like Taliban. They want women to be at home and on the margin like Taliban. So what is the difference between the two? They think no law is superior than their religious faith. That is what Afghans, Taliban says. So where are you different from them? And how are you so upset? उसी संघ परिवार से जुड़े हुए लोग आज इस देश की राजगद्दी को चला रहे, राजधर्म का पालन कर रहे हैं। अगर तालिबानी विचारधारा होती तो क्या वे इस प्रकार की बयानबाजी कर पाते? इसी उत्तर में उनका बयान कितना खोखला है यह स्पष्ट हो जाता है। जब तक वे हाथ जोड़ करके देश के लिए समर्पित जीवन जीने वाले संघ कार्यकर्ताओं की माफी मांगते नहीं हैं, तब तक उनकी कोई भी फिल्म इस मां भारती की भूमि पर हम चलने नहीं देंगे। और साथ की बात में आज के लिए इतना ही, कल फिर लौटेंगे तमाम उन मुद्दों के साथ जो आपसे सीधा जुड़े हुए हैं।